हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। कैसे हैं आप सब लोग, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों रेडी हो जाइए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के तीन पार्ट हम करेंगे, एक है एलोपैथ, दूसरा आयुर्वेद और तीसरा है कम्बाइन। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि किडनी स्टोन का साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। किडनी स्टोन में जो है पेशेंट को जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वो राइट साइड को हो सकता है या लेफ्ट साइड को हो सकता है। उसके बाद जो है इसमें फीवर आ सकता है कभी कभी, कभी कभी इसमें वोमिटिंग उल्टी हो सकती है, और कभी कभी दोस्तों इसमें जो है मैक्सिमम टाइम पर यूरिन मिक्चुरेशन में जब हम पेशाब करते हैं तो उस टाइम पे मिक्चुरेशन में प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो ये क्लासिकल साइन है किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन में राइट साइड पे और लेफ्ट साइड में इसे दोनों साइड हो सकता है। एब्डोमिनल पेन राइट साइड में, फ्रंट साइड में भी होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिन पे भी पेन हो सकता है। फिर वो पेन जो है ग्रोइन रीजन में जहाँ पे हमारा यूट्रस जाता है वहाँ पर भी हो सकता है, ब्लैडर के ठीक जगह पे हो सकता है, और कभी कभी मेल में जो है वो स्टोन यूरेथ्रा के पास अटक सकता है फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि इसमें जो पहला जो इन्वेस्टिगेशन है ओनली एंड ओनली इसमें जो है एब्डोमिनल सोनोग्राफी करना पड़ता है, यूएसजी एब्डोमिन। उसमें जो है हमें कंफर्म स्टोन का साइज़ और स्टोन का लोकेशन और स्टोन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स हमें पता होगी। देर मे बी हाइड्रोनेफ्रोसिस, देर मे बी यूरिनरी इन्फेक्शन, देर मे बी यूरिनरी इनकंटिनेंस एंड देर मे बी बर्निंग मिक्चुरेशन। ऐसे इसमें कुछ साइन सिम्टम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रीटमेंट में। एलोपैथ में जो है ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे तो इसमें आईवी फ्लूइड्स लगाना है आपको। आरएल लगा सकते हैं, डीएनएस लगा सकते हैं, एनएस लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है कोई भी आईवी फ्लूइड आप लगा रहे हैं तो उसमें एक डायना पर इंजेक्शन आप डाल दें। फिर बाद में जैसे ही इंट्राकैथेटर स्कैल्प लगाया हुआ रहता है फ्रेंड्स तो वहाँ से जो है आईवी ओफ्लॉक्स 100 ml का छोड़ दें फास्ट। उसके बाद जो है सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन दे दे, पेंटाप्रोजोल दे दे, इमसेड दे दे, और सब इम्पोर्टेंट बस्कोपेन इंजेक्शन आईवी पुश कर दे। तो ये है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। इसमें हाइड्रोथेरेपी अगर आपको करना है फ्रेंड तो लैसिक्स इंजेक्शन इन बिटवीन टू सलाइंस 500 ml सलाइंस, एक लैसिक्स का 20 mg का एम्पुल आप पुश कर दे फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी, इसकी वजह से भी स्टोन पुश हो सकता है। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो है ये हमें दिन में 2 बार करना है फ्रेंड्स, और इसको फॉलो करना है मिनिमम 3 डेज। तो इसकी वजह से जो है इसको कहते हैं हाइड्रोथेरेपी, और इससे जो है पेन भी कम होगा। और ऐसी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अगर करेंगे फ्रेंड्स तो जो है इस पे रिलीफ आपको मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसमें जो है फ्रेंड्स आयुर्वेद का। आयुर्वेद के बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा। तो 2-3 ट्रीटमेंट है उसमें, मैं आपको बताता हूँ सब में। नंबर 1 तो अपना एक पहला एक वीडियो है इसके ऊपर, नेरी टैबलेट देना है। उसी के साथ ही आपको चंद्र प्रभावती दे सकते हैं, कुक्षुरादि कुकुर दे सकते हैं, और सिर्फ वरुण आदि काढ़ा। नेरी टैबलेट दिन में 2 बार, कुक्षुरादि कुकुर दिन में 2 बार, चंद्र प्रभावती दिन में 2 बार, और 10 ml वरुण आदि काढ़ा दिन में 2 बार। ये ट्रीटमेंट जो है आपको 2 से 3 महीने कंटिन्यू लेना है। उसकी वजह से जो है आपका स्टोन पिघल कर क्रश होकर बाहर निकल जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें और 2-3 प्रकार के औषध बताए गए हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट औषध जो है दूसरा, एक गुड़हल पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर बोलकर एक मिलता है, तो उसके पाउडर पे हम रात को सोते वक्त जो है HS जो है खाना पीना बंद होने के बाद, हमारा खाना सब ख़त्म होने के बाद 1 चम्मच जो है गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं। ये एक इसमें है। फिर अगर फल फ्रूट की बात करेंगे, सब्ज़ी की बात करेंगे तो करेला आप खा सकते हैं, उसकी वजह से भी जो है स्टोन जो है दोस्तों बाहर फूट कर निकल जाएगा। अब ये बात हुई है अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के, पानी ज़्यादा पिए। अब दूसरी और एक बात बताऊँगा दोस्तों, आपका अवॉइड क्या करना है। बोर का पानी अवॉइड करना है, जो बोर का पानी जो रहता है उसमें जो है कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, कैल्शियम टैबलेट अवॉइड करें, और इससे भी जो है खड़ा होने के या स्टोन होने के चांसेस हैं तो उसे हमें अवॉइड करना है दोस्तों। और
इसके बाद जो है एक और ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, कंबाइंड ट्रीटमेंट आपको अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, हाइड्रोथेरेपी प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अगर 2-3 महीने भी आप कर लेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों इसमें बताने की जैसे ये चीज़ है कि अगर ये दोनों ट्रीटमेंट आप फॉलो करेंगे तो ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। पानी ज़्यादा पिए, दिन में 4-5 एक 2 लीटर 2 से 3 लीटर भी अगर पानी आप पी लिए तो जो है आपका जो है स्टोन होने के चांसेस कम है। और पानी में मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, पानी का TDS अच्छा होना चाहिए। अगर मिनरल्स और TDS अगर कम हो जाए तो हमें जो है स्टोन होने के बहुत बहुत चांसेस हैं फ्रेंड्स। स्टोन किसी को भी हो सकता है, कम उम्र के बच्चों को भी हो सकता है और सब में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के जो एडल्ट हैं उनको भी स्टोन हो सकता है फ्रेंड्स। स्टोन में अगर समझो फ्रेंड्स स्टोन छोटा है, 10 mm के नीचे है तो आसानी से निकल जाएगा आयुर्वेद और एलोपैथ ट्रीटमेंट से। बट अगर स्टोन बड़ा है तो उसमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे कि बास्केट सर्जरी है, तो वो भी एक सर्जरी है, उसमें बास्केट डालकर वो स्टोन को निकाला जाता है। दूसरा एक प्रोसीजर है, कभी कभी स्टोन जो है आपकी यूरेथ्रा के पास जमा, जो हमारे पेशाब की नली है वहाँ पे रुक जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस टाइम पे हमें एक सिंपल एंडोस्कोप डालकर वो यूरेथ्रा को जो है डायलेट करते हैं और वहाँ से वो स्टोन को काटते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं स्टोन के ट्रीटमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपने फॉलो करना चाहिए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ कभी भी आपको दर्द हो तो बस्कोपेन प्लस नाम का टैबलेट भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।